स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 48 है। मैंने क्वेश्चन दो तीन छोड़ दिए थे बीच में। खुशबू लीला और मीना पार्टनर है। जो रेशो दे रखी है इनकी 5:3:2 है। बैलेंस शीट दे रखी है। ये है क्रेडिटर हैं, खुश कैपिटल वगैरह है, बैंक क्रेडिटर, स्टॉक, बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता। क्या करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डेबिट साइड में जाएगा तो लीला रिटायर होती है, यानी इसमें सेकेंड वाली पार्टनर जो आपकी है। बिल्डिंग को क्या करना, डेप्रिशिएट, लॉस है। प्रोविजन डेटर पे कितना बनाना है, 5% डेटर आपको, जैसे 24,000 के दे रखें 24 का 5% बनाएंगे, ये भी आपका लॉस है 1200 का। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये भी आपका लॉस है। तो तीन ही पॉइंट आपको दे रखे हैं, तो पहले एक बार वैल्यूएशन बना लेते हैं। तो 2 बिल्डिंग 2 प्रोविज़न 2 सैलरी आउटस्टैंडिंग दोनों आपके तीनों 2 में जाएंगे। 2 बिल्डिंग लेके आइए 10,000 की, 2 प्रोविज़न लेके आइए 1200 का, 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी लेके आओ 4800 की। उसके बाद बस ये लॉस है, लॉस को तीनों में क्या करेंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। खुशबू लीला मीना रेशो आपको दे रखी है 5:3:2, 5/10 3/10 2/10 16,000 का लॉस होगा। उसके बाद जो बनाना है आपने, उसमें कैपिटल अकाउंट जो आपने बनाना है वो आपने केवल लीला का कैपिटल अकाउंट बनाना है। किसका बनाना है, लीला का। तो लीला का ही बना देते हैं, रिटायरमेंट जिसको जो पार्टनर रिटायर हुई है ना, खाली उसी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी कैपिटल का क्या लेंगे, बैलेंस लेंगे। बाय लीला बाय बैलेंस ब्रो डाउन, ये आपको दे रखा है। देखो लीला का बैलेंस आपका 56,000, इशूड आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस था 8,000। 8,000 में हम 2 में शेयर निकालेंगे, 8,000 का 3/10 कितना आएगा, 2400 आ जाएगा। फिर आपका रिवैल्यूशन का क्या हुआ था लॉस, इसमें केवल लीला का शेयर लेना, 2 रिवैल्यूशन यहाँ आएगा, 4800 डालना। उसके बाद आपको पता गुडविल की एंट्री करते हैं। गुडविल फर्म की ना एक गिवन आपको दे रखी है, गुडविल ऑफ है फर्म 1,40,000 में किसका शेयर निकालते हैं, लीला का। लीला का शेयर है आपका 3/10, तो 3/10 करेंगे तो उसका शेयर 42,000 आएगा। उसको तो हम क्रेडिट कर देंगे, और बचे हुए पार्टनर को आपने क्या करना है, डेबिट करना है। कौन से रेशियो में डेबिट करते हैं, गेनिंग रेशियो में। जैसे लीला रिटायर हो गई, बाकी रेशियो तो क्या बची, 5:2 बच गई। ये आपकी न्यू रेशियो आ गई, ये आपकी गेनिंग रेशियो आ गई, 5/10 7 और 2/7 करेंगे इसका। इसका करेंगे 42,000 का 5/7 35,000 7,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा यहाँ पे, जब हम करें 30,000 12,000 30 आएगा, ये 30 और 12 ये डालेंगे यहाँ पे 30,000 और 12,000। तो टोटल उसका शेयर 42, 3/5/7 था ना, वहाँ 30,000 और 12,000 आ जाएगा। वो आप एंट्री डालना 30,000 12,000। तो उसके बाद कुछ नहीं दे रखा, वह टोटल करेंगे यहाँ पे। 2 में एंट्री में डालना, कॉन्ट्रा नहीं बनेगी, क्योंकि खाली किसका कैपिटल अकाउंट बन रहा है, लीला ही का ही कैपिटल अकाउंट बन रहा है, इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनाना। आज उसको अब जो पेमेंट किया गया था लीला को, हमने 20,800 तो दे दी थ्रू चेक, चेक के थ्रू। तो करेंगे जैसे उसका टोटल करेंगे, बैलेंस निकालेंगे 98,000 में से ये दोनों कटाएंगे, 20,800 टू बैंक, ये तो टू बैंक कर दो, बाकी उसके लोन में डालना है। तो लीला लोन कितना आएगा, 70,000 आपका आ जाएगा। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट उसका बन के तैयार हो गया। अब आपको उसके बाद कहता है कि एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक उसका लोन अकाउंट बनाना है, जब तक उसकी पूरी पेमेंट नहीं होती, यानी उसका लोन अकाउंट तैयार करेंगे। किसका लोन अकाउंट, लीला का। ये मैं बनाना बता रहा हूँ आपको कैसे बनाना है, एक बार पहले भी बताया था, एक बार फिर आप सीख लीजिए अच्छी तरह से। लेकिन इसमें पेमेंट का थोड़ा सा है कि जो बैलेंस आपने पे करना है उसको ना 2 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, अभी तक मैंने जो क्वेश्चन आपको कराए हैं उसमें एनुअल इंस्टॉलमेंट थी, यानी उसमें हम पूरे एक साल के बाद पेमेंट करते थे, लेकिन यहाँ देनी है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, यानी 3 मंथ के बाद देनी है। और स्टार्ट कब से करनी है, 30 जून से देनी है। तो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ कितना इंटरेस्ट देना है, साथ में 10% इंटरेस्ट साथ में देना है। तो वो स्टार्ट कर लेते हैं रिटायर का भी। पहले देखो डेट यहाँ से 1 अप्रैल 2015। तो लीला लोन अकाउंट, सबसे पहले डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, रिटायरमेंट हुई है उसकी 1 अप्रैल 2015 को। तो बाय लीलास कैपिटल यहाँ डालेंगे, कितना लोन है उसका, जो लोन दे रखा है हमें, लोन गिवन है हमें 70,000 का यहाँ पे, बाय लीलास कैपिटल अकाउंट 70,000, ठीक है। अब आपने 70,000 को जो पे करना है वो 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो एक इंस्टॉलमेंट आपकी बन गई 35,000 की। कितने की बन गई, 35,000 की। जो देनी है ना इंस्टॉलमेंट आपने, वो देनी है आपने, यानी कि एक क्वार्टर के वाइज, यानी कि हर 3-3 महीने बाद पेमेंट करनी है। जैसे वहाँ तो एनुअल देते थे ना, मार्च 31 को पेमेंट करते, बैलेंस निकाल देते थे,
ये कहता है कि आपने जो पेमेंट करनी है वो आपने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, दो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में देना है, ठीक है। पहले दो इंस्टॉलमेंट बना ली हमने 35,000 की, तो पहले क्वार्टर कब बीतेगा, यानी 3-3 मंथ के बाद पेमेंट करनी है। यानी पहले आपका जाएगा जून 30 को, जून 30, 2015, बाई क्या लगाएंगे इसके ऊपर, फिर इंटरेस्ट लगाएंगे। पहले इंटरेस्ट इस पर निकालना 70,000 पे, इंटरेस्ट का रेट हमें दे रखा है वो गिवन है हमें, इंटरेस्ट का रेट यहाँ पे 10% और साथ में 3 मंथ का। अब 3 मंथ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो रेट है ना एनुअल रेट है, तो अब 3-3 मंथ बाद होगा तो 3 मंथ का तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना। अगर आप एनुअल देते तो पूरे साल का इंटरेस्ट 7,000 आ जाता, अब आपका 3 मंथ के बाद देना तो 3 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे, तो इंटरेस्ट आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा 1750। फिर आप इसी डेट को जून 30 को यहाँ पेमेंट करेंगे, जून 30, 2015 टू बैंक। अच्छा कितनी इंस्टॉलमेंट हमारी बताना, 35,000 इंस्टॉलमेंट प्लस करेंगे 1750, टोटल मिला के हम पेमेंट करेंगे 3,6750 की, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बताना कब जाएगी, मान लो आपकी 3-3 मंथ के बाद देनी है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी आपकी सितंबर 30 को, सेम ईयर में चली जाएगी। यानी अगर आपकी 4 इंस्टॉलमेंट में, तो भी 4 आपकी सेम ईयर में जाएंगी 3-3 मंथ के बाद। यानी आपने बीच में क्लोज नहीं करना है, आपने चलाना है इसको। जैसे पहले जून 30 को दे दी, जून 30 को इंटरेस्ट लगाया 1750, यहाँ पेमेंट कर दी टू बैंक करके, फिर आप ऐसे सितंबर 30 को करोगे बाय इंटरेस्ट फिर लगाओगे। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, किस बैलेंस पे निकालेंगे, दो मेथड है देखो करने के। या तो ऐसा करो इसको ऐड कर लो यहाँ तक रफली करना, जैसे ये बन गया 7,1750, फिर इसमें से 3,6750 लेस कर लो, तो आपका बैलेंस बच जाएगा 35,000। यानी इस पे जाएगा दूसरा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो आप निकालोगे ना। या एक काम करिए, एक्चुअल का प्रिंसिपल अमाउंट है 70 है ना, 70 में से आपने एक्चुअल जो पेमेंट है घटा दीजिए, 70 में से 35 घटाओ तो 35 बैलेंस बचेगा 35,000। आपको मैं बता रहा हूँ दोबारा, ये आप ऐड करके रफली ऐड करना अलग से कहीं, और उसमें से ये घटा लेस कर देना, तो नया बैलेंस आपके पास आ जाएगा जिस पे आपने इंटरेस्ट लगाना है। अक्सर कहोगे क्लोज क्यों नहीं किया, क्लोज तब होता है जब मार्च 31 आएगा, ये तो आपने 3-3 मंथ के बाद देना है। एक साल में 4 इंस्टॉलमेंट चले जाएंगे इसके हिसाब से, लेकिन ये नहीं 2 हैं तो 2 में ख़त्म करेंगे, सितंबर 30 को आपका क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, फिर 10% करेंगे, फिर वही 3 मंथ का लगाएंगे। कितने मंथ का, 3 मंथ का, 35,000 का 10/100, 3/12 ये बनेगा 8,750। फिर आप इसकी पेमेंट कर देंगे यहाँ पे सितंबर 30 को, लास्ट इंस्टॉलमेंट चली जाएगी टू बैंक अकाउंट। जिस डेट को आप इंटरेस्ट लगाओगे उसी डेट को पेमेंट करनी, 35,000 आपकी इंस्टॉलमेंट है, प्लस कितना ऐड करेंगे इसके अंदर 8,750, ये बन जाएगा 35,875। इसके बाद इसका टोटल कर देना, टोटल आपका कंप्लीट हो गया, टोटल आपका बन जाएगा 72,625। यहाँ भी कितना आएगा, 72,625 आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था जो आपने करना है, ठीक है। उसके बाद अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, 47 भी एक आपको छोड़ा था क्वेश्चन, 47 में भी एक बार देख लेते हैं। इसमें एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है हमने, एक हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के तीनों के, और एक लोन अकाउंट बनाएंगे नीतास का। क्या बनाना है, लोन अकाउंट। एक बार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, 47 है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले क्या कह रहा है, देखिए एक बार यहाँ पे। अरे पीयू, गीता और नीता पार्टनर हैं, प्रॉफिट जो रेशियो है उनकी क्या दे रखी है, 3:2:1। बैलेंस शीट आपकी दे रखी है, ये आपको बैलेंस शीट गिवन है। नीता रिटायर होती, नीता इसमें थर्ड वाली यहाँ पे नीता रिटायर हो गई, तो एक तो लैंड बिल्डिंग को रिड्यूस करना लॉस है, गुडविल की वैल्यू 54,000, नहीं तो आपने उसका शेयर निकाल के एंटी करनी जैसे आप करते हो। न्यू रेशियो भी गिवन है 5:4, गेनिंग रेशियो भी आपकी आएगी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके। प्रोविजन डायरेक्टर के ऊपर कितना बनाना है, 10%, वैसे तो लॉस दिख रहा है, 10% बनाऊंगा तो 2500 बनता है ना इसके ऊपर, जबकि दे कितना रखा है, 1300 दे रखा है आपको, यानी कितना लॉस हुआ, 1200 का लॉस हो गया। लेकिन जो एक्सेस प्रोविजन बनाना है वो हमने जनरल रिजर्व में से बनाना है, यानी इसने रिवैल्यूएशन की जगह कहाँ से कह दिया, जनरल रिजर्व में से, और बैलेंस जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना। और क्रेडिटर को 3,000 वो पीहू खुद पे करेगी, जिसके लिए उसको कोई रिइम्बर्समेंट वगैरह नहीं दी जाएगी। एक्चुअल में जो क्रेडिटर हैं वो पीहू के ही थे और वो गलती से क्रेडिटर में जुड़ गए हैं, तो आपने कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट बनाओगे, क्रेडिटर कम हो जाएंगे बाय क्रेडिटर, और क्रेडिटर में से लेस कर देना 3,000 बैलेंस शीट जब बनाओगे। आपको सर ये तो लाइबिलिटी ले रही है पार्टनर, तो बाय में दिखाते हैं कैपिटल में बाय क्रेडिटर करके। देखो लाइबिलिटी अगर खाली यहाँ तक लाइन होती ना, क्रेडिटर 3,000 के कौन पे करेगी, पीयू, फिर तो ठीक है फर्म के क्रेडिटर वो दे रही है, तो बाय क्रेडिटर करके लाइबिलिटी कैपिटल अकाउंट में डाल देते पीयू में। लेकिन उसके लिए कहा उसको कोई रिइम्बर्समेंट वगैरह नहीं दी जाएगी, यानी इसके ये खुद के ही क्रेडिटर थे पर्सनल,
जो क्राइटर में जुड़ गए थे, तो क्राइटर में से लेस करो, बाय क्राइटर करो, पहले प्रॉफिट दिखा दोगे यहाँ पे, जैसे बाय क्राइटर 3000 का, और बैलेंस शीट अगर बनानी पड़े तो क्राइटर में से 3000 क्या करोगे आप, लेस कर दोगे, ठीक है। और एक स्टॉक लैंड बिल्डिंग को रिड्यूस करना था 12000, वो मैंने कर ही दिया, तो ये आपका 9000 का लॉस हो जाएगा। लॉस तीनों में क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक पॉइंट मेरा बताना रह रहा है, वो दोबारा बताऊंगा आपको कि जो प्रोविजन आपने बनाना है वो कैसे करना है। देखो अभी ये पॉइंट था, कहता है जो प्रोविजन बनाना है टेंशन किसके ऊपर बनाना है, डेटर पर। आप डेटर बताओ कितने के हैं, 25000 के हैं ना, इस पर देखना 25000 का हम बनाएंगे कितने परसेंट, 10% बनाते हैं प्रोविजन। एक बार 25000 का आप 10% करिए तो 2500 आपका नया प्रोविजन बनता है। बैलेंस शीट अगर बनानी हो तो पूरा 2500 आप माइनस करते हो। अच्छा, इसमें से अगर वैल्यूएशन में जब दिखाते थे तो हम देखते थे कि कितना पहले गिवन आपको 1300 दे रखा है ना, तो 1300 लेस करके बाकी 1200 हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालते थे, इतना ही करते थे ना। लेकिन जो 1200 हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालते थे, वो कहता है जो एक्सेस प्रोविजन हमने बनाना है ना, वो रिवैल्यूएशन में से नहीं बनाना, बल्कि किस में से बनाना है, जनरल रिजर्व में से बनाना है। अब जैसे जनरल रिजर्व आपको 9000 दिया हुआ बैलेंस शीट में, अगर चेक करोगे तो यहाँ पे जनरल रिजर्व हमें दे रखा है 9000, ये देखो आपके सामने है ना। तो 9000 में से आप क्या करना, वो 1200 जो एक्स्ट्रा बने ना, वो आप इसमें से बना लीजिए, 1200 काट दीजिए इसमें से। अब 1200 जब इसमें से काटोगे तो बाकी जो जनरल रिजर्व आपका बचेगा, वो आपका बचेगा 7800। तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 7800 को कैपिटल अकाउंट में, तो बाय जनरल रिजर्व 7800 को रेशो क्या दे रखी है आपकी बताओ, 5:3:2:1, कितना कितना आएगा, 3900 आ जाएगा, 2600 आ जाएगा, 1300 आ जाएगा, ऐसे करके जनरल रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। पहले बताओ कैसे किया मैंने, क्या किया, 25 का 10%, 2500 बैलेंस शीट में तो 2500 घटाना है अगर बनाओगे तो, लेकिन कितना पहले बना हुआ है 1300, तो कितना लॉस होने वाला है 1200। वैसे 1200 हमेशा यहाँ डालते थे पहले टू प्रोविजन करके, लेकिन उसने कहा ये किस में से पूरा करना है, जनरल रिजर्व में से पूरा करना, 9000 12 काट के बाकी 7800 को आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कैपिटल का बैलेंस सबसे पहले आ जाएगा आपका, ये तो पता ही है आपको, और इधर आपका रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया, ये मैंने डाल दिया टू रिवैल्यूएशन यहाँ से। उसके बाद फिर मैंने किया गुडविल की एंट्री कर दी है, 54000 उसका शेयर निकाला, पहले 1/6 था, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, नीता रिटायर हो रही है, तो 9000 आ गया। 9000 फिर आपको गेनिंग रेशो निकाली, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन में हमें कौन सी रेशो दे रखी थी, न्यू रेशो दे रखी है, तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, 5/9 -3/6, 4/9 -2/6, 1:2 आपकी गेनिंग रेशो आ गई। अब आपने एंट्री बनानी है, बताओ क्या बनेगी, वो बताओ, पीहू कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीता कैपिटल, तो बाय पीहू कैपिटल बाय गीता कैपिटल, पीहू और गीता वाला किस में लिखोगे, नीता में, और टू नीता कैपिटल, नीता वाला किस में लिखोगे, पीयू और गीता में लिख देना यहाँ पे। मुझे समझ में आ गया, तो पहले तो गुडविल की एंट्री आपकी जैसे हर क्वेश्चन में करते आ रहे हो बिल्कुल वही करनी है। अब आप देखो करना क्या है, नीता को 29800 तो आपने रिटायरमेंट पे देने हो, टू बैंक कर दीजिए 29800, और बाकी उसके लोन में, बाकी कहाँ डालना, उसके लोन में, और बाकी दोनों के आपके बैलेंस निकल के आ जाएंगे यहाँ पे, टोटल करके ये ऐड करके लेस करके बैलेंस निकाल लेना। देखो उसके बारे में दोबारा, नीता के बारे में 29800 उसको आपने पेमेंट करनी है, बाकी उसके कहाँ ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और जो लोन की पेमेंट करनी है ना, देखो लिखा हुआ है कि इतना रिटायरमेंट दे दिया, बाकी अमाउंट उसके 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, सेमी होती है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, हाफ होती है यानी 6 6 मंथ बाद देनी, जैसे अभी क्वार्टरली दी थी आपने, अभी क्या देनी है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, इन इंटरेस्ट के साथ 10% इंटरेस्ट देना है, साथ में आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी, और पहली इंस्टॉलमेंट जो आपने पे करी है ये डेट गलत है, इसको काट के ठीक कर लेना। पहली इंस्टॉलमेंट क्योंकि ये दी जाएगी सितंबर 30 को, कि 6 6 मंथ बाद देनी है ना, तो सितंबर 30, 2016 कर लीजिए, और पुराने बुक के हिसाब से दे रखा है, यहाँ डेट चेंज कर लीजिए, ठीक है। यानी पहली इंस्टॉलमेंट आपकी जाएगी सितंबर 30, 2016, 2015 को जाएगी, 15 करना जी, 2015 को। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, लोन अकाउंट, और नीता का लोन अकाउंट बनाना है, तो लोन अकाउंट स्टार्ट करें। तो इसमें आपने पेमेंट, बस आपने ध्यान रखना 6 6 मंथ के बाद पेमेंट करनी है आपने, कितने कितने मंथ के बाद, 6 6 मंथ के बाद। तो एक बार उसका लोन ले लेते हैं, लोन आपका 40000 का है, तो डालेंगे यहाँ पे April 1st बाय नीता कैपिटल, कितना लोन है उसका 40000 का। अच्छा, पेमेंट जो करनी है ना उसकी 4 इंस्टॉलमेंट में करनी है, पहले 4 इंस्टॉलमेंट बनाइए इसकी, जैसे पिछले क्वेश्चन में 22 देनी, इसमें 4 है, यानी आपकी इंस्टॉलमेंट बन गई 10000। और देनी कब है आपने, सितंबर 30 से स्टार्ट करना है, यानी 6 6 मंथ के बाद देनी, यानी एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट जाएंगी, एक साल में कितनी जाएंगी, दो, अब चल देते हैं स्टार्ट करें, सितंबर 30, 2015, जैसे अभी क्वार्टरली दी थी ना, ऐसे अब आपने 6 6 मंथ के बाद देनी है, 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है,
पहले क्या लगाएंगे, बाय इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट 40 पे ही, 40,000 इंटरेस्ट का रेट हमें दे रखा है इसके अंदर जो हमने देना है 10% है, और साल में 6/12 करना है जी, तो 6 मंथ बाद देनी है ना, तो ये आपका बन जाएगा 2,000 बन जाएगा। और सितंबर 30 को ही आपने पेमेंट कर देनी, यहाँ पे सितंबर 30 टू बैंक, तो 20,000 आपकी इंस्टॉलमेंट है, 10,000 सॉरी, तो 10,000 इंस्टॉलमेंट प्लस कितना इंटरेस्ट लेंगे, 2,000 इंटरेस्ट ले लेना, 12,000 यहाँ दे देंगे ऐसे करके। उसके बाद फिर आपका मार्च 31 लेंगे, 2,016 आएगा, फिर दोबारा इंटरेस्ट, क्योंकि दो जाएंगी इन ईयर, आपने दो इंस्टॉलमेंट देनी है सितंबर 30 मार्च 31, 6 मंथ के बाद, फिर बाय इंटरेस्ट लगाएंगे। अब इंटरेस्ट किस पे लगाएं बता सकते हो, अभी बताया था कैसे करना, तो आपने क्या करना है, इसको ऐड करके रफली इसको लेस कर लीजिए, 12,000 को टोटल करना, वैसे ईजी है, 42 में से कितना कटाओगे, 12,000, तो आपका 30,000 बच जाएगा यहाँ पर। ये सीधा तरीका होता हूँ, 40 है ना ये एक्चुअल अमाउंट जो आपका जिस पर पहले इंटरेस्ट निकाला था, 40 में से ना ये 10 घटा दो, 40 में से कितना घटा दो 10, तो ये एक्चुअल जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट घटाओ तो बाकी 30 रह जाएगा, तो 30 देखो रहेगा, नहीं तो ये ऐड कर लो रफली करना, टोटल नहीं करना, और ये रफली टोटल करके इसमें से लेस कर लो। इंटरेस्ट का रेट क्या, 10%, कितने मंथ का देना, 6 मंथ का, 1,500 आपका फिर इंटरेस्ट बन गया। फिर आप सेम डेट को यहाँ पेमेंट करो, मार्च 31 2016 टू बैंक, कैसे पेमेंट करेंगे, 10,000 आपकी इंस्टॉलमेंट प्लस कितना इंटरेस्ट बना आपका, ये 1,500 आपका इंटरेस्ट बन गया, यानी 11500, 11500, ठीक है। अब आपका ये, अब देखो तो मार्च आ गया, मार्च को आपको क्लोज करना पड़ेगा कोई ईयर यहाँ पे, क्योंकि तो मार्च को हमारे अकाउंट क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, यहाँ निकालेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। पिछले क्वेश्चन में क्लोज़ क्यों नहीं हुआ, तो क्योंकि एक साल में इंस्टॉलमेंट देनी थी क्वार्टरली, दो क्वार्टरली सारी थी, तो उसमें उसी साल में आपका पूरा हो गया था उसमें, तो बल्कि क्वार्टर में पूरे साल 6 मंथ का सारा बनाया था वहाँ हमने, 4,350, 4,350 बैलेंस बचेगा 20,000, ठीक है, लेस करके। अब आगे शुरू करते हैं, अभी दो इंस्टॉलमेंट और जाएंगे, चार देनी है, 4 इंस्टॉलमेंट है हाफ ईयरली, 6 मंथ के बाद बैलेंस को लेके आएंगे, फिर 1 अप्रैल 2016 बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना ब्रोड डाउन है आपका, 20,000। फिर आज मार्च 30 सितंबर 30 फिर सितंबर 30 2016 बाय इंटरेस्ट, फिर अब इंटरेस्ट किस पे लगाएंगे, 20,000 पे, इंटरेस्ट का रेट क्या, 10%, 6 मंथ का करो, 1,000 आ जाएगा। सितंबर 30 को पेमेंट करोगे टू बैंक, कितनी इंस्टॉलमेंट हमारी, 10,000 इंस्टॉलमेंट प्लस कितना, 1,000 आपका इंटरेस्ट, टोटल कितना देंगे, 11,000 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मार्च 31 आपकी बार आएगा 2017 बाय इंटरेस्ट फिर लगाएंगे। अब बताओ इंटरेस्ट किस पे लगेगा, बताओ, आप 20 में से सीधा 10 घटा दो, 10 आएगा बैलेंस, या ऐसे करो चलो 31 है, 21 है, 21 में से कितना गया, 11, 10,000 ही बचेगा आपका, 10,000 का फिर 15%, कितने मंथ का देना, 6 मंथ का, 6 मंथ बाद देनी ना, तो ये आपका जो बनेगा 500 आपका आ जाएगा यहाँ। उसके बाद लास्ट पेमेंट कर देंगे यहाँ पे, मार्च 31 2017 टू बैंक, 10,000 आपकी हो प्लस इंटरेस्ट कितना, 500, टोटल आएगा 10,500। फिर ओवरऑल इसका टोटल कर देना, तो 21500 यहाँ भी क्या आएगा, 21500, ये आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, बोलो समझ में आ गया। इसमें बोल के आपने पेमेंट 6 मंथ के बाद देनी है, जो पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें 3 मंथ के बाद देनी थी, वहाँ 3/12 किया था, यहाँ मैंने, यहाँ मैं कितना कर रहा हूँ, 6/12 कर रहा हूँ, देखो 6/12 बैलेंस के ऊपर करना, ठीक है, और मार्च 31 को क्लोज कर देना बीच में, तो ये आपका लोन अकाउंट ऐसे बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन और था आपका, फोर्टी सिक्स है, देखने को क्वेश्चन ही वाला, फोर्टी सिक्स क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें मोहित और केशव पार्टनर है, इक्वली बांटते, इक्वली मतलब क्या रेशियो होगी, 1:1 बैलेंस शीट दे रखी है, केशव रिटायर हो गया, ये वाला खाली मोहित बच गया,
मुरली फरम कितनी दे रखी, 9000। 9000 में आपको पता उसका शेयर निकालते हैं किसका, केशव का 4500 आएगा। अब तो ना केशव रिटायर, वो बचा कौन, मोहित। तो गुडली घंटे क्या बनेगी, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केशव कैपिटल अकाउंट। तो 4500, 4500 तो बाय मोहित कैपिटल, कैपिटल में ना खाली केशव का के कैपिटल बनाना लिखा हुआ उसने, तो बाय मोहित कैपिटल, बाय बाय में एंट्री डाल देना बस। टू में एंट्री नहीं जाएगी, टू में एंट्री तब होती है, यहाँ गलत किया हुआ, यहाँ नहीं आएगी एंट्री आपकी। तो जब आप कैपिटल अकाउंट दो पार्टनर के इकट्ठे बनाए तब आती है कॉन्ट्रा, नहीं तो खाली बाय बाय में बाय मोहित कैपिटल, बाय मोहित कैपिटल ऐसे करके डाल देना, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है 20% आपने जनरल रिजर्व का ना, हमने प्रोविजन बनाना है। जनरल रिजर्व का क्या बनाना है, प्रोविजन किसका, 20% का। तो एक काम करना, देखो जैसे जनरल रिजर्व आपका 2000 दे रखा ना, इसका 20% करो, 2000 का, 2000 का जब आप 20% करोगे तो 400 आएगा, यानी 400 का तो प्रोविजन बन गया इसमें से। वो तो डायरेक्टर में से लेस हो जाएगा बैलेंस शीट में, जब नई बैलेंस शीट बनेगी ना आगे, मतलब रिवैल्यूशन में नहीं आएगा, वो आपने जनरल रिजर्व में से बना दिया। बाकी जनरल रिजर्व कितना बचा, 1600, उसको आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बाय जनरल रिजर्व 1600 का कितना करेंगे, 1/2, यानी 800 आएगा यहाँ पे। बाय जनरल रिजर्व कितना डालोगे, 800 यहाँ डाल देना, ऐसे करके आप एंट्री करोगे, ठीक है, समझ में आ गया। बाय जनरल रिजर्व 800। नेक्स्ट पॉइंट देखो उसके बाद क्या आ रहा है, एक आपका फर्नीचर था जिसकी वैल्यू कितनी थी, 2060, जो अनरिकॉर्डेड था, अब इसको रिकॉर्ड करना है। अब फर्नीचर आपका अनरिकॉर्डेड है तो यानी आपका रिवैल्यूएशन बनने वाला है, आपका प्रॉफिट होगा पूरा, क्योंकि अनरिकॉर्ड करना है तो रिवैल्यूएशन बना देना। बाय फर्नीचर रिकॉर्ड हो गया और प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कौन कौन पार्टनर, मोहित और केशव, 1:1 में, और उसका प्रॉफिट इसमें ले आना जो केशव का कैप्टन है, बाय रिवैल्यूएशन, बाय क्या आएगा, रिवैल्यूएशन, ऐसे करके डाल देना यहाँ पे। खाली उन्हीं का शेयर लेना बस, खाली केशव का कैपिटल बना रहे हो ना, और कैपिटल बैलेंस केशव का ऊपर आ ही जाएगा आपका, ठीक है। टोटल की एंट्री बता दी मैंने आपको, और आगे जो पेमेंट की है उसको, क्या मोहित ने डिसाइड किया केशव को, तो एक तो फर्नीचर दे दिया ये वाला, कितना फर्नीचर था बताना, 2060। देखो पहले तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड के लिए रिवैल्यूएशन बनेगा, बाय आपको फर्नीचर डालना पड़ेगा और प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके, और उसके बाद जब पेमेंट करने की बारी आई केशव की, तो उसको एक तो ये फर्नीचर दे दिया, कितना था, कितना फर्नीचर था, 2060 का। तो ऐसा करेंगे टोटल करेंगे इसका, ये गुडविल अपीयर वाले भी है इसमें, ये देखो दे रखे ना गुडविल, ये भी टू में डालनी, टू गुडविल करके डालना, 1500 आएगा उसका शेयर यहाँ पे अपीयर वाली गुडविल में। तो उसके बाद एक तो फर्नीचर दे दो उसको, दे दिया, और बाकी उसके लोन में डाल दी, टू केशव लोन, टू क्या आएगा, केशव लोन अकाउंट, ऐसे करके डाला जाएगा, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ केशव का बनाना था, बना दिया मैंने आपके सामने। अब केशव का लोन अकाउंट तैयार करेंगे, लोन अकाउंट में उसने पता क्या कहा है, कहता है कि उसको जो बाकी देना है वो देना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी है, कितने कितने की। अब उसने इंस्टॉलमेंट खुद बना दी 8000 की, और कहते हैं विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट साथ में ऐड करके, इंक्लूडिंग नहीं है, इंक्लूडिंग होता तो फिर आपको तो दिया होता कितनी इंस्टॉलमेंट दी है उसने 8000 की, लास्ट में टोटल सारा। उन्होंने कहा 8000 देना, जैसे हम नहीं बनाते इक्वली, यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट। अब आपको खुद कुछ नहीं करना, आपको इंस्टॉलमेंट बना के दे रखी, जब तक आपका ये इतना चलता रहेगा साथ में क्या देते रहो, इंटरेस्ट देते रहो, जो आप जो लास्ट में बचेगा सारा दे देंगे, जो भी आपका बनेगा, ठीक है। जब तक इतना जाएगा प्लस इंटरेस्ट, बाकी लास्ट में सारा। तो एक बार थोड़ा बनाते देखो कैसे बनेगा केशव लोन अकाउंट, कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ बनाएंगे केशव लोन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, तो रिटायरमेंट हुई है उसकी April 1, 2016 की, तो बाय केशव कैपिटल, उसका अमाउंट है जो उसको देना हमने वो देना है, ये है लोन अकाउंट उसका 21640, ठीक है। अब उसके बाद शुरू करते हैं, एनुअली देनी है तो March 31, 2017, बाय क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट किसके ऊपर, 21640 पे, इंटरेस्ट का रेट आपको दे रखा है इसके अंदर हमें 5%, 500 करेंगे तो 500 करेंगे तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 1082 आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आप क्या करना, March 31, 2017 को ही पेमेंट करेंगे टू बैंक करके, ठीक है। तो कितनी इंस्टॉलमेंट हमारी जो बनाई थी आपने, जो दे रखी थी 8000, तो इंस्टॉलमेंट वो लेंगे 8000 प्लस 1082, 9082 आ जाएगा, 90 क्या आएगा, 82 आ जाएगा। टोटल कर लेंगे इसका, टोटल करेंगे, टोटल हमारा बन जाता है 22722, यहाँ भी क्या आएगा 22722। उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन,
बाकी बैलेंस बैलेंस हमारा आ जाएगा 13640 आ जाएगा यहाँ। बैलेंस को आगे ले जाएंगे, अप्रैल 1, 2017 से स्टार्ट हो जाएगा। बाय बैलेंस क्या करोगे, ब्रो डाउन, कितना ब्रो डाउन है, 13640। उसके बाद फिर मार्च 31, 2018 बाय इंटरेस्ट लगाएंगे। फिर हम इंटरेस्ट इस पर लगेगा 13640 पे, इंटरेस्ट का रेट क्या दे रखा है, 5%, तो हमारा इंटरेस्ट बनेगा 682 आएगा। तो उसके बाद मार्च 31, 2018 टू बैंक फिर करेंगे, कितनी हमारी इंस्टॉलमेंट है जी, 8000, वो तो है ही है जो देनी, प्लस इंटरेस्ट कितना देना, 682, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ध्यान रखना, 8682। उसके बाद फिर बैलेंस निकालेंगे हम, टोटल बन जाएगा आपका यहाँ पे 14322, यहाँ पे आपका आएगा 14322 टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस हमारा आ जाएगा इसमें 5640 आ जाएगा, 5 6 क्या आएगा, 4 0, एक और बोर्ड करना आपने। अब बैलेंस को लेके आगे आएंगे फिर, अप्रैल 1, 2018 बाय बैलेंस ब्रो डाउन 5640, फिर मार्च 31, 2019 आएगा, बाय क्या लगाओगे, इंटरेस्ट। आपकी बार किसके ऊपर, 5640 पे, इंटरेस्ट का रेट क्या है, 5%, डैश बनेगा आपका 282। अब आप टोटल देखो कितना बन गया, 5922 बन गया, अब तो 8000 से कम ही है, अब वो ऐसी पेमेंट नहीं हो पाएगी 8000 प्लस करके, बस वो तो दो बार आपने होनी थी, अब तो पता क्या करना, लास्ट में सीधा मार्च 31, 2019 टू बैंक करके जितना भी आपका बैलेंस है सारा दे देना, कितना टोटल है आपका बताओ, 5922, तो यहाँ भी आप कितना दे देंगे, 5922 टोटल कर लेंगे यहाँ पे, 5922 आ जाएगा यहाँ, बस और कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आपका ऐसे करके चलना है, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन अच्छी तरह से, समझ में आया लोन अकाउंट उसका अच्छी तरह से, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ये लोन अकाउंट था, इसमें उसने खुद इंस्टॉलमेंट दे दी 8000 की, देव तो जब तक आपका 8000 जाएगा तब तक तो देंगे, अब यहाँ 8000 है ही नहीं हमारे पास, उससे ही कम है ये जो बैलेंस रहेगा, तो जितना इंटरेस्ट बनेगा सारा ही दे देना। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट में अलग होता है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट तो आपका आता है लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं होता, यहाँ सीधा हम 8000 दिखाते, फिर बताया होता है कितनी तक, कब तक 8000 देना है, और बाकी का होगा लास्ट में सारा देना है, ऐसे करके होता है क्वेश्चन आपका वो, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन आपके हो गए, जिससे इसे वीडियो देखा वैसे चलना, 848 फिर आगे 47 करना, फिर 46 कर लेना, ये तीन क्वेश्चन आपने जरूर कर लेना, ठीक है। अब तरह से मेरा लोन अकाउंट अब कंप्लीट हो गया, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो मुझे स्टार्ट करानी है, इसकी रिटायरमेंट की लास्ट पॉइंट पे चलूँगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप करके चलना, उसके बाद रिटायरमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, डेथ ऑफ ए पार्टनर, 3-4 दिन डेथ में लगेंगे, तो नेक्स्ट वीक पूरा कोशिश है कि चैप्टर आपका क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे।